This is the first time I'm sharing my weight loss story with anyone. ये हैं कॉमेडी सर्कस फेम गंगू बाई यानी सलोनी डैनी। हेलो, मैं हूँ आपकी अपनी गंगू बाई। इन्होंने आज तक अपने कॉमिक परफॉर्मेंस से आपको खूब एंटरटेन किया है और अब ये बन सकती हैं आप सबकी एक रोल मॉडल। Now तो I've lost like 22 kg लॉकडाउन में, but before that people used to call me अरे भैंस लग रही है, कितना खाएगी, एक दिन फूट जाएगी और ये सब भी लिखते थे। बट जी हाँ, इन्होंने लॉकडाउन पीरियड को सही यूटिलाइज करते हुए अपना 22 यानी 22 केजी वजन कम कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सलोनी डैनी के वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि कैसे इन्होंने लॉकडाउन पीरियड में अपना वजन 80 केजी से 22 केजी घटाकर 58 केजी तक कर लिया। आज के इस वीडियो को देखकर आपको मिलेगी वेट लॉस की ढेर सारी मोटिवेशन और लर्निंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो सभी मानेंगे कि जिसका भी वज़न बढ़ता है वो वज़न घटाना ज़रूर चाहता है, लेकिन इसके लिए ना ही वो मेहनत करना चाहता है और ना ही एक डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहता है। और तब हमारे मन में आता है एक दूसरा थॉट कि मैं जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ, या मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ। लेकिन इस दौरान हम ये बात बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये केवल वेट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। जी हाँ फ्रेंड्स, वेट बढ़ाकर इन अ वे बॉडी आपसे कम्युनिकेट करती है कि आपको इसमें करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी के इस मैसेज को भी इग्नोर कर देंगे और करेक्टिव एक्शन नहीं लेंगे तो आने वाले समय में इसके जो भी परिणाम होंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे यहाँ बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप खुद गूगल करके देख सकते हैं कि अगर आप ओवरवेट हो जाते हैं तो आप किन किन बीमारियों का बड़ी आसानी से शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, ऑलमोस्ट सभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की मेन वजह ओबेसिटी हो सकता है। सलोनी ने भी करीब 11 महीने पहले ओवरवेट लोगों की ऐसी ही डायलिमा यानी दुविधा को दर्शाता हुआ एक वीडियो सॉन्ग रिलीज़ किया था। इसे ध्यान से देखकर या सुनकर आप भी इसका सही मैसेज समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी। ओवरवेट लोगों को क्यूट और छबी जैसे टैग दिए जा रहे हैं। इवन काफ़ी लोग तो ओवरवेट लोगों को बताते हैं कि वो तो थोड़ा सा हेल्दी है। ऑन अ लाइटर नोट, काफ़ी लोग यह भी सोच सकते हैं कि अगर मैं ऑलरेडी हेल्दी हूँ तो अब मुझे हेल्थ की फ़िक्र करने की ज़रूरत क्यों है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि इनका वज़न क्यों और कैसे बढ़ा। इन्होंने करीब 3 साल की उम्र से एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था और करीब 9 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये काफ़ी फेमस हो चुकी थी। यानी अपने कैरियर में बिजी होने की वजह से, आउटडोर शूट्स की वजह से और बाहर का खाना खाते रहने की वजह से धीरे धीरे इनका वज़न बढ़ने लगा। एक्टिंग फील्ड में भी इनका फोकस कॉमेडी की ओर था, जहाँ पर बढ़ता हुआ वज़न एक पॉजिटिव बात ही मानी जाती है। इसलिए शोबिज़ में रहते हुए भी इन्हें वज़न घटाने के लिए कोई प्रेशर नहीं आया, यानी बढ़ता वजन भी इनके प्रोफेशन के लिए कोई समस्या नहीं थी। Being in the showbiz, I was always in comedy, into comedy and comedy circus. So वहाँ पे तो मतलब लोग मुझे ऐसे छोटी भारती यही करके बुलाते थे। And people always used to think that I'm Bharti's daughter. So हम जब भी लाइव शो पे जाते थे और मैं मेरी मॉम के साथ जाती थी, तो कभी कभी तो लोग पूछते थे अरे आपकी मम्मी क्यों नहीं आई, तो मैंने बोला ये है मेरी मम्मी। तो वो बोलते थे ओ हमें लगा कि भारती आपकी मम्मी है, ऐसा कुछ। तो अक्सर मैं सलोनी के साथ जब भी कोई लाइव इवेंट करने जाती हूँ तो लोग बोलते हैं प्लीज मैम आप बेटी एक साथ आ जाइए। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं ये मेरी बेटी नहीं है। कहते नहीं आप भी थोड़ी और ये भी। तो मैंने कल को तुम कहोगे अतराम सामी आपके हस्बैंड है। लेकिन स्क्रीन या स्टेज पर कॉमेडी करना इनके लाइफ का एक हिस्सा भर था। हमारी पूरी लाइफ कोई कॉमेडी नहीं है, ये बात ये समझ चुकी थी और लॉकडाउन के पीरियड में इन्होंने इसका सही यूटिलाइज किया और अपना वजन जल्द से जल्द कम करने लगी। So when lockdown had started, I used to eat so much घर पे। मम्मी रोज मोमोज बनाती थी, बटर चिकन, केक्स, everything. And one day I was sitting in front of my screen watching Netflix, and अचानक से वो स्क्रीन ऑफ हो गया और blackout हुआ, and I saw my face in the laptop, and then I was like, and it was like very chubby, and I was like 80 kg or something at the time. So I was like कि बस हो गया, this is the point where I have to lose weight for myself because I just wanted to lose weight. I don't know like for being fit and being more healthy. जी हाँ फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मोटापे को खुद तो नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमको हमारा समाज कई बार इसका एहसास कराता रहता है। वो चाहे हम दोस्तों के साथ उठते बैठते वक्त हो या सोशल मीडिया में कोई पोस्ट करने पर आया हुआ कॉमेंट। मैं बहुत सोचती हूँ एक पोस्ट करने से पहले कि अगर ये डाल दूंगी तो मैं यहाँ से गंदी तो नहीं दिख रही और ये तो नहीं दिख रही। बट मुझे भी हेट कमेंट्स आते हैं कभी कभी, पहले बहुत आते थे मेरे वेट के बारे में, बट अभी मैं आई वांट टू चेंज दैट बिकॉज आई डोंट वांट टू थिंक सो मच बिफोर पोस्टिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया। वो चाहे सोशल मीडिया हो या हमारे फ्रेंड्स या किसी अननोन पर्सन का कमेंट हो, हम इसे पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से देख सकते हैं। यानी एक तरीका तो यह हुआ कि हम उसके कमेंट का ही पोस्टमार्टम करने लगें कि ये गलत कह रहा है और उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और दूसरा तरीका वो होता है कि हम अपने एक्शन से सामने वाले की बोलती बंद कर देते हैं कि इन्होंने 1 साल पहले जो वीडियो शूट किया था और उस पर इन्होंने एक फेक न्यूज़ आर्टिकल की चाहत रखी थी कि इन्होंने अपना वज़न कम कर लिया है, ऐसा इन्होंने सचमुच कर दिखाया और आज सचमुच सारे न्यूज़पेपर्स में इनकी वेट लॉस की स्टोरी पब्लिश हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप भी अपना वेट लॉस का हर सपना बड़ी आसानी से सच कर सकते हैं, बस ज़रूरत है केवल आपको अपने डेडिकेशन की और डिसिप्लिन की। So I did a very, very, very good diet and workout every day. Now I'm 58. So lockdown has helped me lose weight. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डाइट पर कितना स्ट्रेस दे रही है। जी हाँ, डाइट और वर्कआउट दोनों पर इक्वली स्ट्रेस देना बहुत ज़रूरी होता है। यानी आप एक सही डाइट और वर्कआउट रिजीम फॉलो करके आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हैं। और मैंने अपने चैनल में भी वेट लॉस के काफ़ी सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं जो कि इसी लॉकडाउन पीरियड में लोगों ने किए हैं। इन सारे वीडियो को देखकर आप यह भी समझ सकते हैं कि जिम से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक सही डाइट और एक वर्कआउट, जो कि आप घर पर भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूँ कि डाइट के लिए इन्होंने भी प्रोफेशनल हेल्प ली थी। तो अगर आप भी बड़ी आसानी से और बिना समय गवाए अपना वेट लॉस करना चाहें तो आप भी ऑप्ट कर सकते हैं हमारा ऑनलाइन वेट लॉस प्रोग्राम, जो कि एक पेड प्रोग्राम है। फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि टीनेजर्स के वेट लॉस के लिए कोई वीडियो बना दीजिए। तो यहाँ आपको समझना होगा कि टीनेजर्स का वेट लॉस भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। उन्हें भी वही सब फॉलो करना होता है जो एक टिपिकल वेट लॉस के लिए किसी को फॉलो करना होता है। आज सलोनी की उम्र भी 19 साल है और इन्होंने एक अच्छा डाइट और वर्कआउट रिजीम फॉलो करके अपना वजन कम कर लिया है। आइए अब देखते और सुनते हैं इनके वीडियो सॉन्ग का। अगर आप भी जंक फूड्स खाना छोड़ दें, स्वीट्स और सॉल्टी चीज कम से कम खाएं और ऑयली और फ्राइड चीज़ों से भी दूर रहें। होममेड और होम कुक्ड फूड पर ही फोकस रखें, पोर्शन कंट्रोल करें और डेली वर्कआउट करें, तो आप भी बड़ी आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। अपने फीडबैक और क्वेरीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लें। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।